ट्रिपलेट्स हुए हैं गाइस, प्लीज़ 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 उनका चैनल देखिए, तीनों इतने अमेजिंग है, इतने अमेजिंग बेबीज है ना, यू विल जस्ट लव द वीडियो। मेरा रिक्वेस्ट है मेरे सारे स्टूडेंट को, सबको तीनों ट्रिपलेट्स पूरे डिटो से, तीनों से फॉर्मूला दे रही है। क्या स्पेशलिटी है इसका, इसका क्या स्पेशलिटी है, ये अलग दूसरे गाड़ियों से कैसा अलग? नमस्कार दोस्तों, हमारे सबसे पहले तो तनु अंडर ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार, और बड़े और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। और तो आज हम लोग ऐसा कुछ ये तो लेकर के नहीं आए थे, बट कोई टॉपिक तो लेकर के नहीं आए थे, लेकिन मेरे पास एक वीडियो था। तनु बार बार बोल रही थी कि आप गए हुए थे उस दिन रिपब्लिक डे का ग्राउंड, तो आपने जो जो वीडियो कैप्चर किया तो मुझे दिखाइए। तो हम लोग चूँकि बिजी थे, तनु का भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाए। तो आज मैं सोचा कि चलो हम लोग एक साथ वीडियो देख लेते हैं। तो मैं जस्ट अभी वीडियो स्टार्ट ही कर रहा था, सोचा चलो वीडियो बना भी लेते हैं हम लोगों का कि किस तरीके से आपको वॉक थ्रू कराया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे घर से निकलते ही फिर आगे थोड़ा दूर चलते ही तो हमारे घर से जैसे मैं निकला तो थोड़ी दूर में ही हमारा यहाँ पर VSSUT इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिल गए, और वो बच्चे फॉर्मूला 3 कार बना रहे थे, विच इज ए प्रोटोटाइप ऑफ फार्मूला 1 कार, और एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है जो कि ये लोग हर एग्जीबिशंस वगैरह में लेकर के जाते हैं। बहुत ही मतलब इनोवेटिव था, मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं भी पहले VSSUT जाया करता था, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था वहाँ पे, और हम लोग वहाँ एयर शो करते थे, एरो मॉडलिंग करते थे, और रोबोटिक्स का हम लोग बहुत सारे रोबोट्स तैयार करके उसको तरह तरह के इवेंट्स होते थे उसमें लेकर के जाते थे। उसके बाद देखिए हम लोग पहुँचे पैरेड ग्राउंड, मतलब मैं पहुँचा पैरेड ग्राउंड तो नहीं गए थे, खास उस दिन बच्चों को भी और तुमको भी लेकर के आ गया होता। तो पैरेड ग्राउंड में मतलब जैसे मैं पहुँचा तो पूरा प्लेटून रेडी था। ये जो पहला वाला दिख रहा है खाकी कलर में, ये हमारे DAV का NCC कैडेट हैं, और देख करके बहुत ही खुशी लगा, और मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। बैंड ट्रूप जो है हमारे DAV का ही है, वो पीछे में रहता है, तो पीछे साइड से स्टार्ट हुआ, और जैसे ही लकीली जैसे मैं पहुंचा तो उस समय हमारा पैरेड स्टार्ट हो चुका था। तो और वहीं पर मेरी जूनियर उत्कर्षा मिल गई, और मेरे क्लास टीचर्स वगैरह ढेर सारे मिल गए, तो हम लोग सब चीयर अप करने लगे जब हमारा क्या बोलते हैं ट्रूप हमारे परफॉर्म कर रहा था। हाँ, सामने से जब निकला तब तो कितना सिंक्रोनाइजेशन है ना, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लोग वैसे, मतलब बहुत हाँ वो सामने में वो हमारे MCL का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद हमारे MCL का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, और उसके बाद पीछे में हमारा DAV स्कूल, फॉलोड बाय बहुत सारे अलग अलग स्कूल जो यहाँ के हैं, सेंट जोसेफ, सेंट जॉन्स, KV, हाँ KV भी आया हुआ है, इंद्र विद्यालय संबलपुर भी आया हुआ है, और बॉयज हाई स्कूल संबलपुर है, गर्ल्स हाई स्कूल संबलपुर है, सेंट जोसेफ है, तो सारे मतलब ये हैं। और इनफैक्ट हम लोगों के टाइम पे तो सेंट जोसेफ जो होता था वो हमारा कॉम्पिटिटर हुआ करता था, मतलब हम लोग बहुत कॉम्पीट करते थे। तो मतलब देख करके मुझे हमारे वो पुराने दिन याद आ गए थे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छा फीलिंग आ रहा था उस दिन, मतलब अमेजिंग। और एज यूजुअल चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे MCL के ही CMD होते हैं, तो वो थे, और तो ये वही है, इसको थोड़ा सा पार करते हैं हल्का सा यहाँ तक। हाँ ये देखिए हम लोग का DAV का जो प्लेटून है वो सामने से गुजर रहा था, देख करके कितना कितना खुशी लग रहा था मुझे, यू वोंट बिलीव कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। पहले तो हम लोग अपने स्कूल ड्रेस में ही क्या करते थे, अब NCC आ गया तो NCC वाले ड्रेस कोड में होता है, लेकिन पहले हम लोग स्कूल के ड्रेस में क्या करते थे, देख के बहुत बहुत ही अच्छा लगा। इसको थोड़ा सा पार करते हैं, पीछे में से आज तक और कोई गर्ल्स स्कूल का है, और उनका भी NCC कैडेट ड्रेस में किया गया है, बहुत बहुत ही अच्छा था।
ओवरऑल इसके बाद इसके तुरंत बाद जैसे ये पार हुआ, ये देखो ये पीछे से हमारा डीएवी का बैंड ट्रूप आ रहा है। मैं बैंड ट्रूप का भी एक समय कमांडर हुआ करता था। ये पूरा ड्रम बीट के साथ जाते हैं और ये स्टिक मैं पकड़ता था पहले, ये बड़ा वाला स्टिक। तो और ये सारे ड्रम्स तो वही वाले हैं, पुराने वाले ही रखे हुए हैं। तो ये देखो यहाँ हम लोग पूरा चेयर अप कर रहे थे, पूरा चेयर अप कर रहे थे उसे। वॉल्यूम दे करके मैं इसको जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तो मैं वॉल्यूम दे दूंगा। ये मेरे जूनियर हैं उत्कर्षा, तो वो अपना इंट्रोडक्शन है, वो मतलब सी इज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट तनु एंड द ट्रिपलेट्स चैनल। और वो मतलब सबको बता रही है कि हाउ मच सी लाइक्स आवर ट्रिपलेट्स, सी हैज बीन टू आवर हाउस, सी मेड द ट्रिपलेट्स। उन पीछे उनका बेटा अरमान है और उनका एक भाई है। अरुण भैया रो क्यों रही है, थोड़ा सा एनर्जी। एंड अरुण भैया के ट्रिपलेट्स हुए हैं गाइस, प्लीज 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 उनका चैनल देखिए। तीनों इतने अमेजिंग है, इतने अमेजिंग बेबीज है ना, यू विल जस्ट लव द वीडियोस, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद देम। Thank you. So 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 cute and so pretty they are. Thank you so much. Thank you so much. Arman. Hello Arman. Bol do. Baby triplets bahut hai, bahut cute hai bolo. Baby triplets bahut cute. Thank you. Tum bhi bolo. Baby triplets bahut hi cute aur bahut hi pyare. Ye dekho uske baad ye wala tha. Ye kya bolte hai hamara क्या जो झांकियां वहां से निकले, तो ये एमसीएल जगन्नाथ एरिया का था। अच्छा। और ये है लिंगराज एरिया का, साथ है इसमें हीराकुड डैम दिखाया गया। दुनिया का सबसे लंबा अर्थ मेड डैम है ये। ये एमसीएल लिंगराज एरिया का है और ये हमारे संबलपुर का एक झांकी है जो हमारा संबलपुरी डांस का पीछे पीछे जा रहा है उसके। तो और ये जो था ये भी किसी एरिया का है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। और मतलब अच्छा इन लोगों का था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का। तो और इसके बाद ये संबलपुरी कीर्तन पार्टी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और ये कहीं का एक रथ बना करके निकाला गया, बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद एक आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ट्रक पे रावण बना करके लाता है कि किसको, मुझे याद है। बच्चे लोग पीछे रोने लगे सुनकर। ये देख करके ये बसुंधरा एरिया का है। इसमें उन्होंने अपना बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का पिक्चर बनाया हुआ था। हाँ वो तो जो ये होगा मैच होगा। और वो कोणार्क टेम्पल इसने बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब कल्चर और ये सारी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर उसे, ऐसा मतलब ये मतलब मन मोहित कर लिया। और इसके पीछे भी कोई एक कोई फॉक ड्रेस कोड में वो लोग आए हुए हैं, वो पता नहीं कौन सा है, लेकिन हाँ मतलब एक माहौल लग रहा था, बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था। वो ड्रम बीट के साथ आ रहे थे वो लोग। और इसको हल्का सा आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर रिम्पा दे मिली, रिम्पा दे का वो पूरा इंटरव्यू मैं ये सेट कर दूंगा। तो वो अचानक से वहाँ मिली, वो उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स के साथ मतलब सारे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ आई हुई है। तो सी इज ए डांस टीचर एक्चुअली। तो वो अपने वहाँ स्कूल में डांस सिखाती है और बहुत मतलब क्लासमेट है। तो बहुत ही अच्छा लगा मिल करके कि हाँ ये, और यहाँ मैम है त्रिपाठी मैडम और साहू मैडम मिले। और पीछे भी हमारे एक टीचर हैं, बहुत हम लोगों को मानती हैं ये। और यहीं पे मिल गए सौभाग्य सर। ये रिम्पा अपना ये दे रही है, इंट्रोडक्शन दे रही है। हेलो, मैं अरुण थी स्कूल में, तो और ये मुझे जबरदस्ती अपने चैनल पे बुलवा रहा है। अभी
कैन नॉट बी बेट, बट हाँ प्लीज ये चैनल फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत न्यू लोग आते हैं यूट्यूब में कुछ बनने के लिए, इसीलिए प्लीज इसे फॉलो कीजिए और ट्रिपलेट वही जिसका हो उसको फॉलो करके थोड़ा ले लीजिए कैसा होता है, उसके बाद क्या होता है। ओके थैंक यू। वैसे बच्चे कैसे लगते हैं तुम्हें? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार बच्चों, आई लव, इसलिए तो ये मेरे बच्चे हैं। मैं कभी बच्ची हुई करती थी, अभी टीचर हूँ इनकी। अच्छा, वेरी नाइस। ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। तनु एंड द ट्रिपलेट्स के लिए बोल रही है। उसका तो बातचीत जो है बोलने का तरीका भी पूरा फनी रहता है, मुझे बहुत ही कॉमेडी लगता है। और उसके स्टूडेंट्स पीछे में कितना अच्छा, वो लोग भी वो डांस प्रोग्राम के लिए सब रेडी हुए थे, अच्छा लग रहा था। मतलब हाँ माहौल था पुराना, मतलब दिन तो याद आ जाता है लेकिन वही है कि हम लोग पुराने दिन में जा नहीं सकते हैं, बस इन बच्चों में ही अपने पुराने दिन को याद कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा लगा था, बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। फिर उसके बाद ये सौभाग्य सर मिले, तो सौभाग्य सर तो मतलब बाप से वो कितना एक्साइटेड थे। सर हम लोग से मिलकर के आपको कैसा लग रहा है? मेरे बच्चे को जब मिल रहा हूँ ना, क्या मेरा उस पुराना दिन याद आ जाता है। उनका एक चैनल स्टार्ट किया आपको पता नहीं था क्या? नहीं रे, नहीं मालूम था। चैनल है, हम लोग अभी लगे पड़े उनका प्रमोशन करने के लिए। अरे वाह, मुझे तो उसका मैसेज था। सर ये बोलिए कि तनु एंड ट्रिपलेट वाला चैनल को प्लीज यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्द। पहले तो मैं शुरू करूंगा, उसके बाद मैं बोलता हूँ सारे को। मैं रख लिया आपके लिए, मैं रख लिया आपके लिए। मुझे स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू। तो लिंक भेजो उसके बाद मुझे पता। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सर। मैं भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप करें और सारे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे सारे स्टूडेंट को सबको तीनों का फोटो थोड़ा भेजना, अभी दिखा देते हैं ना, अभी दिखा देते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। अरे मतलब इन हमारे गुरुजनों का जो प्यार होता है ना, वो इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूं। मतलब जैसे मिलते हैं वो ऐसे अपने बच्चों की तरह हमें एक्सेप्ट करते हैं, और मतलब सारे इंसान भूल जाते हैं एक पल को, दोस्त भी भूल जाते हैं लेकिन गुरुजन आपको नहीं भूलते हैं, टीचर्स आपको कभी नहीं भूलते हैं। ये चीज मतलब बहुत ही मायने रखता है। और ऐसे सर बोल रहे थे कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे बताया क्यों नहीं गया। अब तो मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सब्सक्राइब करना और देखना आपके वीडियोस को, और मैं तो सबको बोलूंगा कि हाँ भाई देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर उत्कर्षा भाई बहुत सपोर्ट कर रही थी, तो ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया और मतलब खुशी फील हो रहा था। बाय द वे तनु आज उसका तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, तो बच्चों को सुलाते सुलाते सो गई वो, तो सो गई तो उसके बाद खाना खाई नहीं थी, तो मैं गया उनको उठाने के लिए, तो मैं उठाया वो खाना वाना खाई, तो फिर बोलती है कि नहीं चलो ये वीडियो बना लेते हैं, आज फुर्सत में है थोड़ा सा, क्योंकि आज तो फ्राइडे है, देर रात हो गई है, तो कल सैटरडे होगा तो ऐसे भी छुट्टी रहेगा, तो हम बोले चलो ठीक है बना ही लेते हैं फिर। तो ओवरऑल यही था जो उस दिन मैं गया था, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। और काश मैं बच्चों को भी लेकर के जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन अब बच्चों को लेकर के जाता तो इतना पेशेंटली तो मैं देख नहीं पाता, क्योंकि वो भी इतना घूम रहे होते, दौड़ रहे होते इधर उधर या डर रहे होते, तो उनको गोद में लेकर के घूमना तो वो अपने ही लेवल में एक ये हो जाता है। तो ओवरऑल यही था हम लोगों का जो मतलब प्रोग्राम का मतलब जो हम लोग देखने के लिए गए थे, तो यही आप देखने के लिए गए थे, मैं नहीं गई थी। हम लोग तो यही देख लिए ना, मैं तो लैपटॉप पे देख। चलो अच्छा है कि मतलब एटलीस्ट रिकॉर्ड करके लाया तो तुम लोग देख लिए। नेक्स्ट ईयर अब नेक्स्ट ईयर अच्छे से देखेंगे, या फिर 15 अगस्त तो आएगा, 15 अगस्त में चलेंगे, पक्का चलेंगे 15 अगस्त में। तो यही है आज का, तो मतलब इतने ही में हम समाप्त करते हैं। और हमारा जो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का जो स्टोरी है, स्टोरी पार्ट 3 जो आने वाला है, 3 या 4 आएगा, ये 3 है ना, 3। तो उसको हम अभी थोड़े देर बाद रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही क्या बोलते हैं,
एक तो सस्पेंस से भरा रहता है और दूसरा क्योंकि वो बहुत थ्रिलिंग होता है राइट, क्योंकि हमने वो पूरा जर्नी देखा हुआ राइट। तो रिकॉर्ड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।